हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अपना उद्धार चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो, विश्वास करना है तो मालिक पर करो, साथ देना है तो मालिक का दो। मालिक कभी तुमसे विश्वासघात नहीं करेगा, वो तो तुम्हारा वैभव है, तुम्हारा ऐश्वर्य है, तुम्हारा कृपा आशीर्वाद है। उर्मिला चुप हो जाओ, रो मत उर्मिला, तुम्हारे आंसू मुझे अपनी गलती की याद कराते हैं। मैं अपने बेटे की बदकिस्मती पर आंसू बहा रही हूं, जिसे हवेली का राज सुख मिलने वाला था, वो यहां खुले आसमान के नीचे पल रहा है। हौसला रखो उर्मिला, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारे दामू भैया और भाभी के बाद अब तुम्हारा ही नंबर है। धर्मानंद, तुम कहना क्या चाहते हो? दामू भैया की सारी जमीन जायदाद कारोबार किसके नाम पर है? दिनकर के। अकेले दिनकर के, उसमें तुम्हारा नाम नहीं है। इस मृत्यु लोक में जो भी जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है। यहां कोई अमर नहीं है, यहां तक कि कुदरत भी रात दिन भी मौसम की तरह बदलते रहते हैं। मालिक हमें इशारा करता है कि जिंदगी चार दिनों की है। इंसान का कल्याण इसी में है कि वो मिले चार दिन मालिक की भक्ति में लगा दे। इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है। घोड़ा गाड़ी बंगला जमीन जायदाद ऐश्वर्य का कोई भी सामान वो अपने साथ नहीं ले जाता, तो फिर अकड़ किस बात की, अहंकार किस बात का, लालच किस लिए? जो छोड़कर जाना है उसका शोक क्यों? क्यों वैभव और ऐश्वर्य के लिए परेशान होते हो? त्याग दो ये परेशानी, छोड़ दो ये बेचैनी, उसे अपनाओ जो निरंतर है, चिरंतर है, शाश्वत है। और शाश्वत क्या है? शाश्वत है मालिक की कृपा, उसका आशीर्वाद। अपना उद्धार चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो, विश्वास करना है तो मालिक पर करो, साथ देना है तो मालिक का दो। मालिक कभी तुमसे विश्वासघात नहीं करेगा, वो तो तुम्हारा वैभव है, तुम्हारा ऐश्वर्य है, तुम्हारा कृपा आशीर्वाद है। सबका मालिक एक। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। उर्मिला, हम में और इस आदमी में कोई फर्क नहीं है। ये जिसकी मृत्यु हुई है, हम जिंदा दिखाई देते हैं पर जिंदा नहीं है।
हमारी चीते जी मौत हुई है उर्मिला। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिच्छुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिच्छुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया उर्मिला, चुप हो जाओ, रो मत उर्मिला। तुम्हारे आंसू मुझे अपनी गलती की याद कराते हैं। मैं अपने बेटे की बदकिस्मती पर आंसू बहा रही हूं, जिसे हवेली का राज सुख मिलने वाला था, वो यहां खुले आसमान के नीचे पल रहा है। हौसला रखो उर्मिला, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? शंकर और दिनकर तो ऐश्वर्य में पल रहे हैं, और इस तरह लाखों रुपए बिना चिट्ठी रसीद और लिखा पढ़ी के आते रहना धर्मानंद, तो मैं ये दुनिया तो क्या, दुनिया के मालिक को भी खरीद लूंगा। इतना घमंड हो गया तुम्हें पैसों का कि तुम साक्षात मालिक को खरीदने चल पड़े। तुम्हें पैसों ने इतना उन्मत्त बना दिया है कि तुम मालिक को तुच्छ समझने लगे। मूर्ख, पैसे को भगवान न समझ, ये न समझ कि दूसरे का ऐश्वर्य हत्याने से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए। नहीं, तुम जैसे कृतज्ञ के अच्छे दिन कभी आ ही नहीं सकते, कि तुम उस सांप को दूध पिला रहे हो जिससे तुम्हारे भाई को डसा है। डंक मारना सांप का धर्म है, वो तुम्हें भी डंक मारेगा। ए भोलेनाथ, तुम अपना कब सोचोगे? क्या धर्मानंद? तुम्हारे दामू भैया और भाभी के बाद अब तुम्हारा ही नंबर है। धर्मानंद, तुम कहना क्या चाहते हो? दामू भैया की सारी जमीन जायदाद कारोबार किसके नाम पर है? दिनकर के। अकेले दिनकर के? उसमें तुम्हारा नाम नहीं है।
जरा सोचो शंकर, तुम भी दामू भैया की तरह हवेली की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हो। और ये रहा तुम्हारा सामान। तुम भी अपने दामू भैया की तरह ये हवेली छोड़कर चुपचाप चले जाओगे ना धर्मानंद? अब दोनों बिल्लियां आपस में लड़ेंगी और ये बंदर न्यायाधीश बनकर मलाई खाएगा। वाह प्रभु वाह, वाह मेरे मालिक, कैसा इंसान बनाया है तूने, जो दूसरों का घर जलाकर अपना घर बसाना चाहता है, जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढता है, और जो दूसरों को तकलीफ देकर जिसे खुशी मिलती है। वाह प्रभु वाह। काका ठीक से चला ना, तू गड्ढे में कहां ले जा रहा है? अरे अरे सेठ जी, ए सेठ जी, अरे अरे तांगे वाले, अरे अरे रुको, देखो ये तुम्हारा क्या गिर गया है, अरे रुको तो। इतना सारा रुपया उर्मिला, अब हमारा गोपाल खुले आसमान के नीचे बिना दीवारों के घर में नहीं पलेगा। उर्मिला मैं तुम्हें सारे सुख दे सकता हूं, मैं फिर से नया व्यापार कर सकता हूं, हमारे बुरे दिन खत्म हुए। साईं बाबा ने हम पर कृपा की है उर्मिला। पैसा और पैसा, पैसा 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 पैसा, हर किसी की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। मालिक की बनाई इस दुनिया में जर जोरू और जमीन यानी कनक कावा और कुर्सी के लिए इंसान अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। महाभारत हुआ था इन्हीं तीन का के लिए। बड़े बड़े बुद्धिमान और सन्यासी तक इस माया जाल में फंस जाते हैं। पैसे के लिए भाइयों भाइयों में दरार पड़ जाती है, अखंड परिवार खंडित हो जाते हैं, और यही पैसा इंसान को इंसान का दुश्मन बना देता है। यही नहीं, पैसा निर्धन हो या धनी, किसी को भी अपराध करने पर विवश कर देता है। पैसे के लिए इंसान शैतानियत पर उतर आता है। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान भी पैसे की वजह से रास्ता भटक जाता है और सच्चाई का साथ छोड़ देता है। यही विशेषता है, यही कमाल है पैसों का। जाओ जाकर वहीं सड़क पर देखो, वहीं गिरी होगी। मैं बहुत अच्छी तरह से सड़क पर देख के आया हूँ सेठ जी, पोटली कहीं नहीं मिली। मेरा हजारों का नुकसान करा दिया तुमने, तुमको टांगा चला नहीं आता? कहां गिराई पोटली? जाओ जाओ तुम यहां से, जाओ जाओ। सेठ जी, मैंने कहा ना जाओ यहां से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता, जाओ। लेकिन सेठ जी, मैंने कहा ना,
कौन हो तुम? मैंने कहा ना मैं कोई दान धर्म नहीं करता, जाओ यहां से जाओ। सेठ जी आपकी पोटली, पोटली पोटली, ए भाई रुक, ये पोटली तुम्हें कहां मिली? जी सड़क पर। सड़क पर? इसमें तो हजारों रुपए हैं। इसमें इतने रुपए हैं कि इसे अच्छे से अच्छे का ईमान डोल सकता था। दामू अन्ना का ईमान? ऐसा नहीं है सेठ जी। दामू अन्ना मेरा नाम है सेठ जी, और मेरा ईमान कभी नहीं डगमगाता। मैंने साईं बाबा को वचन दिया है सेठ जी कि मैं हमेशा सच्चाई की राह पर चलूंगा, सच्चाई का साथ दूंगा और हमेशा सच बोलूंगा, और मैं हर हाल में अपने वचन का पालन करूंगा सेठ जी। बड़े दिलचस्प इंसान हो। ये लो सेठ जी, मैंने किसी बख्शीश की लालच में आपकी पोटली आपको लाकर नहीं दी। सेठ जी अगर मुझे कुछ देना है तो नौकरी दे दीजिए सेठ जी, इससे मेरा और मेरे परिवार का भला होगा। आदमी तो ईमानदार है, मेहनती भी है। ठीक है तुम कल से काम पर आ जाओ। हाँ लेकिन मैं तुम्हें 30 रुपए महीने से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। 30 रुपए? सेठ जी, सेठ जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, सेठ जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। विचित्र है इंसान का मन, खुद मालिक बनकर इंसान को कठपुतली की तरह नचाता है। कभी कभी हजारों रुपए मिलने पर भी ये मन संतुष्ट नहीं होता, और कभी 30 रुपए मिलने पर नाचने लगता है। ये मन ही इंसान को बहकाकर अयोग्य मार्ग पर ले आता है, और मन ही है जो इंसान को अयोग्य मार्ग से योग्य मार्ग पर ले आता है। बड़ों ने कहा है अगर निर्मल नहीं है मन तो व्यर्थ है उजला तन। अपने मन को निर्मल रखो, उसमें कोई गंदे विचार गंदे सवाल मत आने दो, उसे हमेशा मालिक की भक्ति में लगा दो, तब तुम जान जाओगे कि निर्मल साफ मन मालिक का दर्पण है, आईना है। सबका मालिक।